जबलपुर में हिंदू संगठनों का चक्का जाम, एसडीएम को लौटाया, कलेक्टर ने मांगी माफी। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हिंदू नोवर्स पर लगाए गए भगवा झंडों को नगर निगम ने कचरा गाड़ी लगाकर हटा दिया। इस बात पर बवाल हो गया। विरोध में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। संगठन के लोगों ने बड़ा फुहारा पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर से माफी मांगने की जिद पर अड़ गए। इसके बाद मौके पर एसडीएम पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें लौटा दिया। 5 घंटे बाद कलेक्टर इलैया राजा व एसपी पहुंचे। कलेक्टर ने नगर निगम की ओर से माफी मांगी। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। शहर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम की ओर से रोज बैनर, पोस्टर और झंडे हटवाए जा रहे हैं। शनिवार को भगवा झंडे हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन कर रहे सीताराम सेन ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल सरकार को हटा देना चाहिए। आक्रोशित हिंदू संगठन जय श्री राम के नारे के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह से फुहारा इलाके में जाम लग गया है। हिंदू संगठन के सचिन नायर ने कहा कि यह भगवा ध्वज का अपमान है। झंडे को उतार कर इस तरह कचरा गाड़ी में डालने से भावनाएं आहत हुई हैं। दूसरे धर्मों के आयोजन से जुड़े झंडे आदि हटाने में प्रशासन के हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं? ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और मौके पर बातचीत करने पहुंचे एसडीएम नमशिवाय अर्जारिया को लौटा दी। आक्रोशित हिंदू संगठनों की मांग थी कि जब तक मौके पर निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ और कलेक्टर इलैया राजा कर माफी नहीं मांग लेते, प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर पूर्व महापौर प्रभात साहू, सदानंद गोडबोले सहित दूसरे बीजेपी नेता भी पहुंच गए। जबलपुर सांसद राकेश सिंह भी पहुंच गए। मामले का तूल पकड़ता देख पुलिस भी सतर्क हो गई है। लाडगंज और कोतवाली पुलिस के जवान ने मोर्चा संभाल लिया है। अभी जाम में फंसे लोगों को पुलिस वैकल्पिक रास्तों से निकालने में जुटी है। मौके पर लगातार हिंदू संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों को बड़े फुहारा पहुंचने की अपील की जा रही है। आरएसएस समेत हिंदूवादी संगठनों को प्रदर्शन की सूचना पाकर सांसद राकेश सिंह भी पहुंचे। इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब कलेक्टर इलैया राजा टी व एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा भी पहुंचे। कलेक्टर के प्रदर्शनकारियों से नगर निगम की अभद्रता के लिए माफी मांग कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं प्रदर्शन समाप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर पूरे शहर को भगवामय बनाने के उद्देश्य से अपने अपने प्रतिष्ठानों, घरों पे और कहीं कहीं बिजली के खम्भों के किनारे पे जैसा हर साल लगता है उस साल के जैसा हमने अपने भगवा ध्वज लहराए थे, जिसका नगर निगम कमिश्नर द्वारा विरोध किया गया। और आज सुबह से सारे लगभग सभी जगहों पे, खासतौर से हमारे बड़े पुहारे पे भी इन्होंने भगवा झंडे निकलवा दिए। इससे ये प्रतीत होता है कि ये हिंदूवादी व्यक्ति नहीं है, ये कहीं ना कहीं से अवसाद से ग्रसित है। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। इस विरोध के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने फुहारे का चक्का जाम किया हुआ है। ये परम भगवा ध्वज का अपमान, जो कि हिंदुओं के लिए परम पूजनीय होता है, इस तरह निकाल कर कचरा गाड़ी में डालना, क्या हम अपने त्यौहार न मनाएं? हम हिंदुस्तान में रहते हुए हम हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका हम सख्त विरोध करेंगे। और जिस तरह से कचरा गाड़ी में इन्होंने डाला है, हमारी अंतरात्मा छलनी हो गई है। ये कमिश्नर को तुरंत हटाना चाहिए, ये गलत बात है। दूसरे संप्रदाय के जब लगते तब नहीं हटाते वो इनके ध्वज। मैं सचिन नायक।